कैसे काम कर रही है देश की मोदी सरकार, कैसे काम कर रही है केंद्र सरकार की सीबीआई और ईडी। वो सीबीआई जो पिछले दो साल से सो रही थी, इतना तो कुंभकर्ण भी नहीं सोता था जितना सीबीआई सोती रही, इतना तो कुंभकर्ण भी नहीं सोता था जितना सीबीआई सोती रही, 14 महीने तक सोती रही। तो भैया जनवरी बीत गई, फरवरी बीत गई, मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, जून बीतने वाला है, 5 महीने हो गए आपको, आपको होश नहीं आया। होश कब आया मुझे बार बार दोहराना पड़ रहा है, होश कब आया? जब ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी, जब ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को निर्दोष मान लिया। देश की सबसे तेज तर्रार कहे जाने वाली एजेंसियां सीबीआई और ईडी पिछले 2 साल से दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले की जांच कर, 2 साल लग गई आपकी जांच पूरी नहीं हो रही। आज जो कुछ भी न्यायालय में हुआ उसके बाद सबसे पहले तो मैं मीडिया के बंधुओं से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि कोई भी झूठी खबर सीबीआई या ईडी दे तो ये मान लीजिए कि ये मोदी सरकार के बीजेपी सरकार के इशारे पर प्रायोजित झूठी खबरें हैं। तो कृपा करके उसकी एक बार जांच करना बहुत जरूरी है। आज क्या झूठ फैला दिया सीबीआई ने कि अरविंद केजरीवाल ने इस केस से पल्ला झाड़ लिया और सिसोदिया पे आरोप लगा दिया, जब खुद केजरीवाल जी ने इस पर आपत्ति की कि यह झूठी खबर सीबीआई के द्वारा फैलाई जा रही है। तो जज साहब ने कहा मुझे अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिए गए बयान को दिखाइए, और जब वो बयान देखा गया तो जज महोदय ने खुद कहा कि सीबीआई के लोग गलत बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मैं मीडिया के मित्रों से फिर अनुरोध करना चाहूंगा, कोई भी खबर सीबीआई के द्वारा या ईडी के द्वारा दी जाए ये हमारे खिलाफ दुर्भावना से काम कर रहे हैं, ये हमारे खिलाफ एक राजनीतिक साजिश के तहत काम कर रहे हैं, बीजेपी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, इसलिए इसको वेरीफाई करना आपकी भी जिम्मेदारी है, अन्यथा आज जो हुआ ये बार बार रिपीट होगा। आप सोचिए 2 साल से जांच कर रही है सीबीआई, देश की प्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, देश की सबसे तेज तर्रार कहे जाने वाली एजेंसियां सीबीआई और ईडी पिछले 2 साल से दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले की जांच कर रहे हैं, और 2 साल से वही कहानियां, वही बातें दोहराई जा रही हैं। उन बातों का कोई सबूत नहीं, कोई प्रमाण नहीं। 2 साल लग गई आपकी जांच पूरी नहीं हो रही। 50,000 पन्ने की चार्जशीट आप दाखिल कर चुके हैं, 464 गवाह आपने बना दिए, पता नहीं कितने कागजात आपने छिपा के रखे हैं, कह दिया ये अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट है। जो सबूत, जो कागजात चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, मनीष सिसोदिया निर्दोष है, जो चिल्ला चिल्ला के जो कागजात कहते हैं, उन कागजातों को, उन बयानों को आपने कहा ये अनरिलाइड डॉक्यूमेंट है, इसको छिपा के रखो, ये आपकी जांच है। और ये सब कुछ सीबीआई गिरफ्तार करने कब पहुंचती है ये आप लोगों को और देश के लोगों को सोचना बहुत जरूरी है। कैसे काम कर रही है देश की मोदी सरकार, कैसे काम कर रही है केंद्र सरकार की सीबीआई और ईडी। आप कल्पना कीजिए, केजरीवाल जी को जब गिरफ्तार किया गया उसी दिन
इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया था, 60 करोड़ रुपए की रिश्वत सरत चंद रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी को दी है, इसका खुलासा हुआ था और उसी दिन केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के मामले में कोई न सबूत थे, न बयान थे, न गवाह थे, वो गवाह फर्जी तरीके से तैयार किए गए थे, ये सब बातें सामने आई, कई बार मैं उसको बता चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल दिया, अंतरिम जमानत दिया और उस जमानत में स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने लिखा अरविंद केजरीवाल से समाज को कोई खतरा नहीं है, अरविंद केजरीवाल कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, अरविंद केजरीवाल का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और इसके आधार पर उनको एंट्री मिली। फिर दोबारा वो न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए जेल चले गए। जब ट्रायल कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, सारे नियम कानून सब कुछ ताक पे रख के, बगैर आदेश की कॉपी के मोदी सरकार की ईडी ने हाई कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया, जमानत पे स्टे ले लिया और ईडी के न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसको एक एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। क्या लिखा है ईडी की ट्रायल कोर्ट ने, क्या लिखा है ईडी के न्यायालय ने, लिखा कि अरविंद केजरीवाल का कोई मनी ट्रेल नहीं मिला है, लिखा कि गोवा में पैसे का इस्तेमाल हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने अपने जमानत के आदेश में साफ तौर पे लिखा कि ईडी फेयर और प्रम्प्ट तरीके से काम नहीं कर रही है। ट्रायल कोर्ट ने अपने जमानत के आदेश में लिखा कि ईडी दुर्भावना से काम कर रही है, बायस्ड होकर काम कर रही है। ये जमानत के आदेश में लिखा, और आप सब लोग जानते हैं कि पीएमएलए में जमानत मिलना कितना मुश्किल का काम होता है। पीएमएलए की जमानत की शर्त है कि जब जज को लगेगा कि ये व्यक्ति निर्दोष है तब उसको जमानत दी जाएगी, जब जज को लगेगा कि इस व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है तब वो उसको जमानत देगा। तो जब जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं, ये जज का मत था और उसी आधार पर उनको जमानत मिली। और बहुत सारी टिप्पणियां अपने जमानत के आदेश में ट्रायल कोर्ट की जज ने किया। हाई कोर्ट पहुंच गए, हाई कोर्ट से बगैर आदेश के स्टे ले लिया। हमने तो पूछा किस बात का स्टे लिया था ईडी ने, हवा का लिया, पानी का लिया, सड़क का लिया, जमीन का लिया, किस बात का स्टे लिया, लेकिन स्टे ले लिया। अब फिर हम मामला लेके हाई सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट से जब अरविंद केजरीवाल को जमानत के आदेश पर रोक जो लगी थी वो रोक हटने की पूरी संभावना थी, अरविंद केजरीवाल के बाहर आने की संभावना थी, उस समय सीबीआई जागती है। कौन सी सीबीआई? वो सीबीआई जो पिछले 2 साल से सो रही थी, वो सीबीआई जिसके सामने 16 अप्रैल 2023 को पहली बार अरविंद केजरीवाल गवाह के तौर पर बुलाए गए। गवाह के तौर पर, याद रखिएगा, आरोपी के तौर पर नहीं, गवाह के तौर पर अरविंद केजरीवाल जी बुलाए गए 2023 16 अप्रैल। तो भाई अगर अरविंद केजरीवाल आरोपी थे तो अप्रैल महीना से लेके आज जून महीना आ गया, पिछले साल से लेके अब तक 14 महीने हो गए, 14 महीने। आपको इन 14 महीनों में अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाने की याद नहीं आई? आपको इन 14 महीने में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की याद नहीं आई?
आपको इन 14 महीनों में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की याद नहीं आई। आपको याद कब आई? जब सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने की पूरी संभावना है, यानी कि जो बेल मिली है, मिलने की नहीं बल्कि जो मिल चुकी है बेल, ट्रायल कोर्ट से जो मिल चुकी है, उस जमानत के आदेश पर जो रोक लगी है हाई कोर्ट की, वो हटने की और उस जमानत पर मोहर लगने की पूरी संभावना है, उस समय सीबीआई जागती है। 14 महीने के बाद सीबीआई जागती है। इतना तो कुंभकर्ण भी नहीं सोता था जितना सीबीआई सोती रही। इतना तो कुंभकर्ण भी नहीं सोता था जितना सीबीआई सोती रही, 14 महीने तक सोती रही। और अपने गिरफ्तारी के आधार में उन्होंने क्या क्या बातें कही सीबीआई वालों ने, आज जो आपके चैनल के रिपोर्टर रहे होंगे उन्होंने भी सुना होगा। वो जेम्स बॉन्ड की कॉमिक्स आती थी बच्चों वाली, जेम्स बॉन्ड की कॉमिक्स पढ़ रहे थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ, अरे उसका कोई सबूत है नहीं, हवा में है, हवा में सब कुछ हो गया, कोई सबूत नहीं, कोई प्रमाण नहीं, हवा में सब हो गया। आप मुझे बताइए 16 अप्रैल 2023 इन्वेस्टिगेशन चल रहा है 2022 से, 16 अप्रैल 2023 को केजरीवाल को बुलाया गया और इन एक साल के 14 महीनों के अंदर अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाने के, गिरफ्तार बनाने के लिए उनको याद नहीं आया। आज क्या कह रहे थे? कह रहे थे मंगुट्टा रेड्डी का एक बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है जो उन्होंने 24 जनवरी के महीने में दिया। खुद सीबीआई ने कहा है कोर्ट के अंदर जनवरी 2024 में वो बयान दिया गया। तो भैया मंगुट्टा रेड्डी का बयान तो ईडी में जुलाई 2023 में हो चुका था, मंगुट्टा रेड्डी का बयान तो ईडी के सामने 2023 जुलाई में हो चुका था। वही बातें उसने ईडी के सामने कही थी, ईडी और सीबीआई मिलकर मनीष सिसोदिया के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रही थी तो ईडी ने ये सारे तथ्य, ये सारे बयान मंगुट्टा रेड्डी के बताए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो सीबीआई क्या कर रही थी? जनवरी में आपके पास मान लीजिए बयान दे दिया, आप कह रहे हो जनवरी में बयान दिया मंगुट्टा रेड्डी ने, और मंगुट्टा रेड्डी ने तो तरह तरह के बयान दिए। मंगुट्टा रेड्डी ने ही बयान दिए हैं कि अरविंद केजरीवाल से और एक्साइज पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं, मैं 5-7 मिनट के लिए उनसे मिला था और उसका एक्साइज पॉलिसी से कोई लेना देना, यह मंगुट्टा रेड्डी का बयान है जो आपने छिपा कर रखा है ईडी के दफ्तर में। तो जनवरी में आप कह रहे हैं 24 जनवरी में मंगुट्टा रेड्डी ने बयान दिया। तो भैया जनवरी बीत गई, फरवरी बीत गई, मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, जून बीतने वाला है, 5 महीने हो गए आपको, आपको होश नहीं आया। होश कब आया मुझे बार बार दोहराना पड़ रहा है, होश कब आया? जब ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी, जब ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को निर्दोष मान लिया। और आप जानते हैं पीएमएलए के मामले में जमानत पाना कितना मुश्किल है। तो अगर यह मंशा है भारतीय जनता पार्टी की कि हमको एक मुख्यमंत्री को पकड़ के जबरदस्ती जेल में रखना ही है, तो मुकदमे पे मुकदमा, मुकदमे पे मुकदमा, मुकदमे पे मुकदमा बनाते जाओगे। झूठे मुकदमों की तो कोई सीमा है नहीं, चाहे जितना आप लगाते जाइए। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल को केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर, मोदी सरकार के इशारे पर झूठे, बेबुनियाद, तथ्यहीन,
बगैर सबूत के मुकदमा बनाकर उनको फंसाया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। मैं इंडिया गठबंधन के तमाम दलों से बातचीत करके इस मामले को देश के सर्वोच्च सदन में उठाने का पूरा प्रयास करूंगा और संसद के अंदर जो अरविंद केजरीवाल जी की अवैध तरीके से गलत तरीके से गिरफ्तारी हुई है और ईडी ने जो नियमों के विरुद्ध जाके बगैर आदेश की कॉपी के जाके स्टे ले लिया है, ये सारा विषय भी मैं इंडिया गठबंधन के दलों से कहूंगा कि वो निश्चित रूप से देश के सर्वोच्च सदन में इस मामले को उठाएं।